गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर, एंड टुडेज टॉपिक इज प्रेशर। नाउ वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द टॉपिक्स फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्सेस, राइट? द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एनी सरफेस दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेशर इन दिस लेक्चर, राइट? Now pressure. Pressure is the force acting on unit area of the surface. It means if there is a surface of surface area 1, so the force acting on this unit area is called the pressure. It means total applicable force divided by area is the pressure. For example, this is a surface of area 1 meter square, right? The area of the square is 1 meter square, right? And the force applied on this surface is 10 newton. इसका मतलब क्या हुआ? 10 newton का force 1 meter square के area पे apply हुआ है. तो what will be the value of pressure? It will be force by area, means 10 divided by 1 is equal to 10 newton per meter square, right? And oftenly the unit of pressure is pascal, so it may be written as 10 pascal. तो जितना भी एरिया आपके पास होता है उस एरिया की मेजरमेंट कर लेते हैं और जितना फोर्स उस पे लगता है फोर्स को डिवाइड कर देते हैं एरिया से, तो हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाता है प्रेशर, ठीक है? इफ द एरिया इज स्मॉलर द प्रेशर विल बी मोर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स। अब देखिए बेटा, ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया था, 10 न्यूटन का फोर्स था, तो प्रेशर कितना आया? 10 न्यूटन। अब मान लिया मैं इसको कर देता हूं, इसका एरिया डबल कर देता हूं, 2 मीटर स्क्वायर कर देता हूं, और 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं इस पे। एरिया मैंने डबल कर दिया, लेकिन फोर्स क्या रखा? उतना ही रखा, तो प्रेशर आ जाएगा 10/2। 10/2 का मतलब हो जाएगा 5, ठीक है? तो ये बन जाएगा 5 पास्कल, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रेशर। तो एरिया जितना कम होता है प्रेशर उतना ज्यादा लगता है। इफ द एरिया इज स्मॉलर प्रेशर इज मोर ऑन द सरफेस फॉर द सेम फोर्स, ठीक है? अब एग्जांपल देखिए बेटा इसके। इट इज इजियर टू पुश अ नेल इनटू द वुडन पार्ट प्लैंक बाय द पॉइंटेड एंड देन द हेड बिकॉज द प्रेशर इज मोर। देखिए ये आपके सामने नेल की पिक्चर है, कील जिसको हम कहते हैं। आपने नेल का हेड देखा है, हेड जो है बड़े एरिया का होता है, और जो बॉटम होता पार्ट होता है इसका, ये पॉइंटेड पार्ट होता है बेटा। तो आप जब कील किसी उडन ब्लॉक पे ठोकते हैं लगाने के लिए, तो आप पॉइंटेड पार्ट को उडन के पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि पॉइंटेड पार्ट का एरिया कम है, ठीक है? हेड का एरिया ज्यादा है, क्योंकि पॉइंटेड पार्ट का एरिया कम है, तो वहां पे जितना फोर्स आप लगाओगे प्रेशर ज्यादा जाएगा। एरिया कम होने के कारण प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं हेड की बात करूं और हेड को मैं लगाने लगूं, अगर टेबल के ऊपर, हेड की साइड से टेबल पे उसे ठोकना चाहता हूं, तो क्या होगा? वो जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ने से प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है? अगली चीज, इट इज इजियर टू कट द वेजिटेबल्स विद द शार्प नाइफ देन द ब्लंट नाइफ बिकॉज प्रेशर इज मोर। अब अगर आपके पास ये जो नाइफ्स होते हैं, आपने देखा होगा इनकी एजेस शार्प कर दी जाती है, जितना ज्यादा शार्प हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। उसका कारण ये है कि जितना शार्प होगा उसका एरिया उतना कम हो जाता है, उस पार्ट का जो आपने शार्प किया है उस पार्ट का एरिया कम होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा भी जोर लगाते हैं, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वो सब्जी को काट देता है, वेजिटेबल्स कट डाउन हो जाते हैं।
ठीक है। इसी तरीके से आप अगर देखें तो शोल्डर बैग्स हैव ब्रॉड नॉट थिन स्ट्रिप्स। आप जब बैग यूज करते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा चौड़ा रहता है एरिया बढ़ाने के लिए। एरिया बढ़ेगा तो बैग का जो वेट है उसका प्रेशर आपके कंधों पे नहीं आएगा, शोल्डर्स पे नहीं आएगा, यानी कम आएगा। लेकिन अगर आप धागा बांध देंगे बैग पे और उसे लटकाएंगे बेटा शोल्डर्स पे, तो शोल्डर्स को कट हो जाएंगे शोल्डर्स। क्यों? क्योंकि जो आपने थ्रेड यूज की है, जो आपने स्ट्रिप यूज की है, वो पतली सी है, वहां प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने से वो आपकी बॉडी को काटना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल विच कैन बी एसोसिएटेड विद द प्रेशर, ठीक है। तो स्मॉलर द एरिया हाइयर द प्रेशर, जितना एरिया कम करोगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपने देखा होगा बेटा कि मड के ऊपर कभी कभी आदमी धस जाता है। अब वो खड़ा होते चल रहा था, बरसात का टाइम था, दिखा नहीं, आगे मड था, मडी मड, जैसे वो चलने लगा तो वो धसने लगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे फुट का एरिया कम होता है और हमारे वेट के कारण कम एरिया में ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो आदमी उस मड में डूबने लगता है। अब वो जितना निकलने की कोशिश करेगा वो उतना ज्यादा नीचे धसता चला जाएगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या होगा, वो वहां से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो कहते हैं कि अगर आपको मड को पार करना है तो लेट के पार करना चाहिए, जैसे स्विमिंग होती है ना, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि अब मड के ऊपर हमारी पूरी बॉडी का एरिया आ गया, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम होगा तो हम उसमें धस नहीं पाएंगे, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि प्रेशर जो होता है वो एरिया कम करने से बढ़ जाता है और एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर, ठीक। आपको ये फॉर्मूला याद कर देना है क्योंकि इस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो दिस इज अ फॉर्मूला विच शुड बी रिमेम्बर टू द ऑल द स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट है प्रेशर एग्जर्टेड बाई लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड्स एंड गैसेस, यहाँ पे एंड भी आना था, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे ये रबर का बैलून, एक टेस्ट ट्यूब है, एक ग्लास की ट्यूब है जो दोनों तरफ से खुली है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ बैलून बांध दो बेटा नीचे, रबर बैलून, ठीक है। अब आप इसमें पानी भरो तो आप देखोगे जब पानी का लेवल कम होता है तो इस रबर की बैलून का इनफ्लेमेबल यानी फूलना कम रहता है। लेकिन अगर आपने इसमें पानी बढ़ा दिया बेटा तो ज्यादा फूल जाएगा, बैलून जो है वो ज्यादा फूल जाएगा, ठीक। अब हुआ क्या, क्योंकि इसमें वाटर ज्यादा था इसलिए क्या हुआ कि एरिया सेम होते हुए भी इसमें प्रेशर ज्यादा आया, क्योंकि प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है बेटा, एक फोर्स पे और एक एरिया पे। इन दोनों के केस में एरिया सेम था लेकिन जो फोर्स था वो दूसरी टेस्ट ट्यूब में ज्यादा लगा था, इस वाली पे फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, वेट। तो ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा वेट आएगा, वेट ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। कहने का मतलब प्रेशर जो है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है और वेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रेशर दूसरे वाले केस में ज्यादा आएगा। अब चलते हैं अगले केस में। इसमें आपके पास एक कंटेनर है, इसकी साइड में ट्यूब है बेटा। अब आपने यहाँ पे बैलून लगाया, वाटर इसमें फिल करा, ये फिर से फूल जाता है। कारण ये है कि प्रेशर इस डायरेक्शन में भी आ रहा है, ठीक। अब इसको आप अगर विजुलाइज करना चाहें तो एक एग्जांपल से कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की बॉटल ले लो, प्लास्टिक की बॉटल लेने के बाद इसमें दो तीन छेद कर दो तो क्या होगा, पानी बाहर निकलने लगता है, ठीक है। अगर होल जो है एक बहुत ऊपर और एक नीचे हो तो नीचे वाले से ज्यादा तेजी से पानी आएगा, जबकि ऊपर वाले होल से जो पानी आएगा वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले होल पे प्रेशर ज्यादा आया है, ऊपर वाले होल पे प्रेशर कम आया है, इसलिए जो है ऊपर वाले होल से पानी कम आएगा बाहर, लेकिन जो बॉटम वाला
होल है उससे ज्यादा आएगा। अब हम इसमें कुछ चीजें, लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर, एग्जर्ट का मतलब लगाना, लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तभी तो यहां से पानी बाहर आ रहा है। इसका मतलब लिक्विड कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाता है, चाहे वो वॉल कैसी भी हो, साइड वॉल हो, बॉटम हो, ठीक है ना, सब जगह वो प्रेशर लगाता है। लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। लिक्विड बॉटम पे भी प्रेशर लगाता है और वो हाइट पे डिपेंड करता है, जिसकी जितनी ज्यादा हाइट होगी प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसमें लिक्विड का वेट उतना ज्यादा होता है। नेक्स्ट है लिक्विड्स एग्जर्ट साइडवे प्रेशर, लिक्विड्स जो होते हैं वो साइड में भी प्रेशर लगाते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड्स एग्जर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम हाइट, कहने का मतलब अगर मैं एक ही हाइट पे सारे के सारे होल कर दूं, जैसे आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में, यहाँ पे एक होल, दो और तीन, जहां से पानी आ रहा, ये सेम हाइट पे है बेटा, तो अगर सेम हाइट पे अगर आप प्रेशर देखें तो एक जैसा प्रेशर है, इन तीनों होल से एक ही स्पीड से लिक्विड निकल रहा होगा। इसका मतलब द होल्स एट द सेम हाइट एक्सपीरियंस इज द सेम प्रेशर, उतना ही प्रेशर लगता है जितना एक दूसरे पे लगता है। तो दिस इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड एंड गैसेज। अब गैसेज की बात करें बेटा, ये तो हमने लिक्विड की बात करी, गैसेज की बात करें तो गैसेज में भी ऐसा ही होता है ना, गैसेज भी प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक है। तो कुल मिला के आपने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में प्रेशर को देखा था, वहां था फोर्स बाई एरिया, तो हमने कहा था भाई एरिया कम होगा, जैसे ब्लेड की एज है, जैसे नाइफ की एज है, ठीक है ना, तो वहां पे जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है। यहाँ लिक्विड के केस में एक विशेष चीज है कि यहाँ पे हाइट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है बेटा, जिस लिक्विड में जितनी ज्यादा हाइट होगी वहां प्रेशर उतना ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये था प्रेशर और प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।